أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد ہے بمثل بمثال خالق دی جس نے ہر چیز نو خلق فرمایا. او بمثل بمثال خالق جو چاہے تو پانی چ اگ نو پیدا فرما دے, آگے پانی نو خلق کر دے اور پانی چ اگ نو خلق فرما دے, چاہے تو زندگی نو موت بنا دے موت نو زندگی بنا دے. وہ بے مثل و بے مثال خالق ہر چیز تے قادر ہے اور ہر اختیارات اس دا تخلیق کردا ہے. مراد اے ہے کہ ہر اختیار اس دا محتاج ہے, وہ محتاج اختیار نہیں. جانی موبائل تو اختیار محتاج اختیار نہیں. کیوں؟ اختیار اس دی وجہ تو ہے, او اختیار دی وجہ تو نہیں. اختیار او اختیار عطا فرماندا تو اختیار تا کچھ چیز بندا, طاقت نو طاقت بخشدا, طاقت تا طاقت بندی, علم نو او علم عطا کردا, علم تا علم ہوندا. تو دوستو میرا گل دا لباب اے ہے کہ کوئی چیز بھی اس مالک نو نفع نہیں دیندی, ہر چیز نو او نفع عطا کردا. اگر زبانہ بول دیں تو اس دے امر نال, اگر ذہن سوچ دیں تو اس دے امر نال. مثلا اس نے ذہن نو اختیار و صلاحیت بخشی کہ ذہن سوچتا ہے اور با خدا کسے بندے دے بس وچ نہیں کہ او نیک ہوئے, کسے دے بس وچ نہیں کہ او برا ہوئے. لیکن او نہیں چاہندا کہ کوئی برائی کرے. اور اس علاقے دے بزرگوں میں بڑا عجیب جیا جملہ آخ دیتا کہ اس او نہیں چاہندا کہ کوئی برائی کرے, نال اے آکھ دیتا کہ کسے دے بس وچ نہیں کہ کوئی اس تو ود کے برا ہو جائے. اور بڑا عجیب جہا جملہ ہے, تضاد والا جملہ آکھ دیتا کہ ایک جملے چ آکھ رہا کہ او برائی پسند نہیں کرتا, اس نے کسے نو برا نہیں بنایا, انسان خود برا ہویا. اور دوسرے الفاظ وچ آکھ رہا کہ او اگر نہ اختیار دے تو کوئی برائی کر ہی نہیں سکتا. یعنی کہ میں اگر برائی دا ارادہ کراں تو او نہ چاہے تو میں ارادہ ہی نہ کر سکوں. تو میرے جملے تضاد نہیں, تھوڑی ساڈی سمجھ دی تضاد ہے. یعنی کہ ایسی عمل تو نظر نہیں کر دے. اس نے فرمایا کہ میں تینو دنیا تے بھیج رہا کہ میں تینو ازماواں, بھلا تو میرے نال پیار کرتا یا اپنی ذاتیات نال کرتا. اچھا میں جے تانو شاید میری گل دی تانو سمجھ آ جائے, میں کئی بار مثال دے چکا ہوں. تو حقیقت ہے کہ مالکاں دا ممبر گواہ, میں کوئی خطیب نہیں, نہ اے ہے کہ میں خطابت کرنی ہے تو مینوں نیاز ملنی.
और मसल चीजें तो औलाद की ख्वाहिश है तो मैं मिंबर दे आ गया, मेरे बेटे भी हैं, मेरे भाई भी हैं, रोके इस वास्ते कि कुछ लोग जमा होने ताकि मजा आए, वाकया उन्होंने जल्दी तो है लेकिन जल्दी दे नाल अपने नौकरों का भी एहसास करना चाहिए कि जिन्हें इतनी मुहब्बत नाल बुलाया कि उन्हां दे बुलाने का भी मकसद पूरा हो। तो मैं ज्यादा तुहाडे दरमियान हैल नहीं रवांदा लेकिन मैनू अपने इमाम ज़माना दी नालायन ते हाथ रख के आख रहा जिहड़ियां मैं सुणांदियां ओ मौलवियां कोलों भी कोई नहीं लभदियां। क्योंकि मौलवी किताब कोलों लेना मैं उस कोलों लेना जिन्हां दे सदके अल्लाह ने अपना कलाम तुहाडे तक भेजा। तो मेरे दोस्तों समझ आ रही मेरी गल कि मालिक ने आखिया मैं तुम्हें अजमावा जड़ी मैं गल की है ना कि कोई बंदा अल्लाह की इजाजत तो बगैर अगर वो ना करन दे तो गुनाह नहीं कर सकता। मेरा मतलब यह है कि मता कोई गुनगार समझे कि मैं उसकी जमीन ते रहना वत मैं रोक लेंदा मैं गुनाह कर रहा तो उसको यह ज़हन होवे मैं गुनाह नहीं कर रहा और मैं अजमा रहा तू कितना कमीना है तू किस हद तक कमीना मौसम की जमीन ते रह के मौसम नू भोगदा तू तो उस कुत्ते तो भी बदतर है जिसनों इंसान पालता है उसनों मारता रवे कुटता रवे वो भौंकता नहीं तो पूछता क्यों नहीं भौंकता वादा किवें भौंका तेरा खाना। गुनाह करने वाले तू तो उस कुत्ते तो भी बदतर है जरा अपने मालिक का खा के वह मालिक की ना फरमानी नहीं करता मालिक इशकारे तो पीर नू भी बहुत पाऊंगा। तो अपना तन धन लाके अपने मालिक के दरवाजे ते सारी रात राखी करदा ताई तो फकीर सुल्तान अरसान फरमाया ना बाजी लेके कुत्ते हूं क्यों उन्होंने फरमाया कुत्ता नीचे सुलैन है ओ इंसान तू आप आदम मैं अशरफुल मखलूकात है खोती चोर भी हो मैं तो बद भी तिड़ के आदम मैं अशरफुल मखलूकात हूं तेनू पता नहीं मखलूक है मासूम मलाइका तो हूँ अशरफुल मखलूकात होवेदा जरा मलाइका तो अफजल होवेदा छो चोर खोती आखे मैं अशरफ अल मखलूकात कमाल होया पिया लेकिन चलो मन लिया जदा तू आखिया मैं अशरफ अल मखलूकात हाँ बद अपने जसुलैन च मुखाजना कर वो खा के अपने मालिक नू नहीं भोगदा जिसका कुत्ता हुंदा जेड़ा मालिक हुंदे हुंदा उसदे दुश्मन नाल मिलदा नहीं उदे दुश्मन तो नफरत करदा। अच्छा मालिक ने फरमाया कि मैं तैनू दुनिया ते भेजिया अजमाइश वास्ते अजमाउण वास्ते ठीक है मैं इत्थे आया जी तो मैनू गांडी आल दे लोग आ गया जी एक बड़ी मस्जिद मैं आखे जी सुभान अल्लाह मस्जिद अगे वेखी ने बड़ी मस्जिद नहीं वेखी उदी खूबी के चार किले दूर है चार किले इसते मुखालफां दा रखदा वो क्रॉस करके पंजवा किला इहदा अपना शुरू होंदा मैं कि यार किले नू छोड़ो ना मज दी गल करो उन्हें आखिया भी मोहतरम मज दी कमाल है कि अपने घरों मज नू छोड़दा ते मज मुंह उत्ते कर लैंदी है ते चार किले क्रॉस करदी है किसे दा उजाड़ा नहीं करदी मैं आखिया मज नू किते फाले ते नहीं होया वे धोण दी उत्ते है उन्हें आखिया जी नहीं उंज नवी न रहीए सिर्फ उस नू एहसास है शरीक मेरे मालिक नू मेरी वजह तो शर्मिंदा ना करे
शर्मिंदा न करन। अच्छा ठीक है जनाब, मैं कि जी मैं इंज नहीं मनना, मैं मज दी मोहब्बत दे खौफ ता मनांदा, मैनू प्रैक्टिकल करके देखो। एदो जनाब ज़ुल्फ़िकार ते अरशाद मज नू नकेल मारी, नकेल समझदे हो ना, नथ मारी इना दुआ दो वागी कीती, एक पासे एक बिरा नपी, एक एक पासे एक इना जनाब मज लैन दी ते मज टुटदी वेंदी है, ते तुनका मार देन मज नू हुंदा दर्द ओ ते मुंह कर लेंदी, चार किले अमूर करके जदा पंजवे किले च गई इना नकेल कट ले, मज चुकन लग पी इना के साजी गल करो। मैं हुन मन्ना दा क्यों मज होई हुई है मजबूर। ओ मेरे भाई जे अल्लाह इंसान नु अपने हाथ च ही रखे शैतान मन्ने दा के इंसान नु तेरे नाल मोहब्बत है, शायद मेरी गल समझ आ गई। मैं एक होर गल अगे थोड़ा इस नु चला दिया। मैं आख्या भी मैं नहीं मनदा, इन्हां की शाह जी क्यों, मैं आख्या जी मज पाबंद है मोहब्बत दा ते अज़हर होया कोई नहीं, इतने पाबंदी का जहर होया उस दसिया भी मैं दू बिरावां दे काबू आई हाँ, तुनका मार दे मन दर्द होंदा, मैं मूंह थले नहीं करदी। इन्हां के शाह जी खोल के विखाने, मैं क्या विखाओ खाओ। अच्छा वापस ले इन्हां बात जिथों छोड़ी उथों छोड़ दिती मज, ते बाकी मज मूंह उत्ते कर लिया। मज शाज कोई नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं, मत आखो भाई वो मज शाह जी विखाओ केड़ी है, मज मूं उत्ते कर लिया ते उस चार किले अबूर कीते, ते मैं आख्या सुभान अल्लाह भी मलको तुहाडी मज नूं तुहाडा एहसास है, तुहाडी मज तुहाडे तो डरदी भी है, तुहाडी मज तुहाडे नाल मुहब्बत भी करदी है। इन्हां आख्या शाह जी क्यों करदी, मैं क्या इस तो भी तुहाडे कमीने दुश्मन ए नाखन भाई बड़ी फुंड तिड़ के रखी है ने, ओ उदी वजह तो शर्मिंदा होए पे। शायद मेरी मिसाल दी मेरी गल दी समझ आ गई। तो मेरे दोस्तों मालिक तुहानू सलामत रखन, तुसी सलामत रहो। तो मालिक ने बंदे नूं इस वास्ते दे छुड़िया इख्तियार, गुनाह करन वास्ते नहीं दिता कि तू गुनाह कर, नहीं इख्तियार दिता तैनू मैं इख्तियार दे छुड़िया। 1,24,000 मास्टर भेजन जिन्हें तैनू तालीम दिती, तू अनपढ़ा नहीं, तू मास्टर आला है, तू बड़ा पढ़िया लिखिया है, हुण तेरा होना परचा ए पेपर, ते जे तू हल सही कर लिया ते तेरे नंबर आए अच्छे, जे तू फुल नंबर ले ते बाद किदेई सुलमान बन वैसे, किदेई मिगदाद बन वैसे, किदेई अबू जर बन वैसे, किदेई कंबर बन वैसे। ते जे परचा हो गया गलत, बाद भावी रिश्ता भी होया दिलांती हो वैसे, क्योंकि नूह अलैहि सलाम दे पुत्र दा परचा गलत हो गया, पेपर उल्टा हो गया। अच्छा वो अल्लाह दी नहीं मंगदा, नहीं नूह दी नहीं मंगदा अलैहि सलाम। अल्लाह फरमाया नूह इसनु दफा कर छोड़े, तेरा नहीं रहा। ते मैनू समझ नहीं आउंदी सक्का पुत्र जदा इनकार करे उदा नहीं रहंदा, ते कोई नथू खैरी आलू बुखारी करे इनकार ओ किवें रासी। याद रखना कदी भूल के भी इनकार ना करना,
कोई भी गुरब फायदा नहीं देता, भरिया उसका जिदा तोड़ चढ़ गया। अच्छा मेरे दोस्तों, मालिक तुहानू सलामत रखन, तुसी सलामत रहो। मैं एक सवाल करांदा के तुहानू मैं आखा भी उठो ए तार नंगी है, एक बंदा उठ के हाथ लाओ, केड़ा बंदा तुहाडे जो ईमान नाल गल करनी, केड़ा बंदा तुहाडे जो जिहड़ा सैयद समझ के उठदा ते तार नप लेदा। जरा है वो हाथ खड़ा कर, मैं प्रैक्टिकल करा लेना। मैं तार छिली मेरे पुत्र से, मेरे पुत्र ना हाथ लाए। अच्छा बैठे रहो, यकीन आ गया। कोई है बड़ी मुश्किल है ना, जे मैं आखा भाई पुत्रों हलवा पिया उठो खाओ, केड़ा जड़ा आखे ना मैं नहीं खाना। जे किले उत्ते अल्लाह तार लाई होंगी, चोर रस्सी खोलन लगता, करंट पाउंदा, केड़ा मझ खोलन पैंदा। ते जे अगर जनाकार जना करन पैंदा तो उतो बिजली पै पैंदी। सारिआं नूं पता होंदा वी जे मैं गिआ बुराई करन ते मैनूं बिजली पौणी, केड़ा बंदा जिहड़ा उत्ते पैंदा। मेरी गल दी समझ आई? कोई होवे ते जिहड़ा जायदा नहीं जायदा, परेशान ते नहीं होगी। मैं तुहानूं परेशान करन वास्ते नहीं खड़ा होया। नहीं जायदा ना कोई भी नहीं जायदा। तो इस वास्ते दोस्तों, अजमाइश जदा कीती जाए उदा खुलिया छोड़ जाए। लेकिन कोई बंदा ये ना समझे जिहड़े गुनाह करदे ओ अल्लाह तो वध के कर रहे, ते जिहड़े नेकी करदे ओ अल्लाह ते एहसान कर रहे। ओ नहीं, ओ मेरे भाई, ओ तौफीक ना दिंदा तू नेक ना हुंदा। अगर तेनू रोक लेंदा तू गुनाह वाले पासे किवें वेंदा? जे उस बिजली नू हाथ लाउण दा तेनू इजाजत नहीं दिती ते ला के हाथ विखा ना। ओ इंसान, तू आदा मैं बड़े कमाल कर रहा, मैं जहाज बना ले, मैं दुनिया दा चप्पा चप्पा दरियाफत कर लिया। जे तू अपनी मर्जी ते अपनी ताकत नाल कीता ते मैं तेनू मिंबर मुकद्दस ते खड़ा होके दावत देना। ओ क्यों नहीं बरमूदा ट्रायंगल सर कर रहा जरा सिर्फ 80 किलोमीटर है? वो जजीरा खिदरा नु भी दरियाफत करना की है? वो मरीख तक दावे करना लिया? जर्मनी और अमेरिका के दरमियान समुद्र एक जजीरा जरा सिर्फ 80 किलोमीटर है, बड़ा भी नहीं, क्यों त्रै कोना है। उसनों ट्रायंगल आख्या जांदा क्योंकि जिहड़ा टिकोना होंदा उसनों बरमूदा जजीरा ट्रायंगल ट्रायकोना इंजी ने जवाब पास। चलो मैंने आप नूं इंग्लिश नहीं आई, मैं अपने जातकां कोलों पुछ लिया सर, अपने भरा कोलों पुछ लिया सर, उन्होंने आख्या सन ना आउंदी वी तां वध मैं की कर सकदा। तो खैर, अच्छा मजे की गल, मैं एक दिन पढ़ रहा था, मैं हिस्ट्री सुन रहा, उसते एक सिमत का नाम मैं पढ़िया, अंग्रेज ने रखिया, किसी मुसलमान नहीं रखिया, कि उस खुदा का शहर जिसका इंतजार किया जाए। हूँ ओदे इंग्लिश के लफ्ज मैं नहीं याद कि ओदे इंग्लिश के लफ्ज क्या, लेकिन ओदा तर्जमा यह बनता ही उस खुदा का शहर जिसका इंतजार किया जाए। मेरे दोस्तों, मालिक तुहानूं सलामत रखन, तुसी सलामत रहो। बंदे आउंदे कोई नहीं पए, होर उत्थों मैं अपने भरा नूं वी रोकिया ते खैर एक बंदा 10 बंदिया जिहड़ा आ गया इंशाल्लाह। तो मालिक तुहानूं सलामत रखन, तुसी सलामत रहो।
और आले मोहम्मद असद का मालिक गुलशन शाह दे होर वक्त बुलंद करन मौला इस बैतुल हुजन नु ता कयामत आबाद रखन इथे जिक्र हुसैन बादशाह हुंदा रवे मौला आले मोहम्मद असद का अरशाद रुद भाइयां दे नस्ल इस बरकत रखन अरशाद या बेटियां दी और भाइयां दे बेटियां दी जिंदगियां दराज फरमान मेरे दोस्तों मालिक तुनु सलामत रखन उस जजीरे नु अगर अमेरिका सर कर ले या जर्मनी सर कर ले हुने जहाज अमेरिका दा उड़दे एथे अमेरिका एथे जर्मनी जर्मनी एथे उड़ना एथे पहुंचना लेकिन उस जजीरे दी वजह तो एथे जहाज उड़दा ए एन जांदा एन जाके बाद एथे आंदा यानी 80 किलोमीटर दा रास्ता छोड़ के सैकड़े किलोमीटर बल्ला मार के जर्मनी वेंदा एक घंटे दी मुसाफत छोड़ के या अधे घंटे दी या 15 मिनट दी ते कई घंटे दी मुसाफत इख्तियार करदा क्यों उदा ओ जजीरा पुकार पुकार के प्यादा तजम्मल होर किसे नु पता लगे ना लगे तू यकीन कर जाई अल्लाह जितना चाहे इतना बंदा जान सकदा उस तो आगे एक जरा भी नहीं जान देखो ना मैं पहले वाले मिसाल से कांडी वाले मिसाल से की गया लेकिन वो मिसाल मेरे मजबूरी बन गई बार बार तुसी जिस मौजे ते आखो मैं उस ते बोल सकदा तो मैं हुसैन बादशाह दे पुत्र सारे हां ते निक्के पुत्र दा नौकर हां तो मकसद दी दे है लेकिन कई मौजू जेड़े हैं ना हूँ मजबूरी बन गई बार बार उन्होंने बोलना दोस्तों है मेरे हाथ च मोबाइल है मैं सुनूं उछाल रहे हैं तो मैं थोड़े तो सवाल करांगा एक कौन उछाल रहा कोई आखे दा थोड़ा हाथ उछाल रहा कोई आखे दा तुसी उछाल रहे हो लेकिन मैं सवाल करांगा काम ही के ते फतवे दोन क्यों हाथ और मैं किसे आगे दो उछाल रहे हैं हाथ उछाल रहा किसे आगे शाहजी तुसी उछाल रहे हो कोई आखसी शाहजी तुसी भी उछाल रहे हो हाथ भी उछाल रहा ते उदा मैं तुहाडे ते गजूरो सवाल करांदा एक काम दो किवें कर सकदे एक काम एक वक्त इच दो किवें कर सकदे तुसी मेरे ते सवाल करसो शाहजी दो किवें दो है ही नहीं मैं कहना दो है ना तुसी आखो शाहजी एक तुहाडा हाथ एक तुसी हाथ भी तुहाडा तुसी भी आप अच्छा मैं तुहाडे ते सवाल करांगा भी थोड़ा जिहा मैनूं खुलासा करो कि मेरे हाथ दा करना मेरा करना किवें है मेरे हाथ दा करना मेरा करना किवें है शिरक क्यों नहीं क्योंकि मैं और मेरा हाथ दो हैं मैं मेरा नाम मैं मेरा हाथ ना हाथ मैं मेरा हाथ जाहिर करा मैं जात हां जात और हाथ तजम्बल और तजम्बल दा हाथ ते इदा करना मेरा करना किवें अच्छा मैनू बुजुर्गां ना कांडी आलियां बहा के बड़े प्यार नाल उन्हां आखिया मोहतरम शाह साहब ए वेखो ए तुहाडा हाथ जिहड़ा है असीं इस नूं आखदे आं उंगली हलाए हलाए दा मैं क्या नहीं उन्हां आखिया हाथ दी अपनी मर्जी होवे मैं क्या दी मर्जी है ही कोई ना अच्छा तो उन्हें क्या जे ए तोड़ी मर्जी तो बगैर उंगली हलाए ता मैं क्या नहीं तो उन्हें क्या जेरी इस उंगली हलाई ये ताकत दी अपनी हो बे दी मैं क्या नहीं अच्छा मेरे दोस्तों मैं अगली गल बात करूं ता फौरन मेरे ज़हन चाया कि अस्सलाम वालेका ये सार अल्लाह अल्लाह दे साथ अच्छा मैं यार मेरी झलियां झलियां गल्लां होंदियां मैनूं खुर कोया ते कौन खुरकेदा मैनूं दर्द होया कौन घुटेदा
हाथ अच्छा जे मेनू किसे खुश किया उस कुछ मैं देना चाह कौन दे दा जे मैंने किसे नाराज किया मैं ओदे कोलो इंतकाम लेना चाहांगा कौन करेगा हाथ एक ए मेरा सार हो गया करदा मेरी मर्जी नाले अच्छा ए हो गया मेरा सार हाँ अच्छा मेरा सार हो गया ते अल्लाह दा सार बात कौन होवेदा अल्लाह दा सार होवेदा जेड़ा कदी खैबर उच उठेदा कदी ओदिस कदी बदर कदी हुनैन कदी करबला च ते कदी मदीने च खामोश होवेदा कदी अकबर दी लाश ते खामोश कोई कोई मदीने च चुप करके बैठा होवेदा कोई मदीने चुप करके बैठे हैं कोई करबला चुप करके बैठे हैं किसे नु लोग प्यार दे ना ज़ियान हो गया तो चुप करके बैठे हैं परेशान तो नहीं हो मेरे जुमला देने चाहे कि कोई अल्लाह का सार कोई मदीने बस मैं गल नूं तोड़ चाल लवा आखरी मेरी गल मालिक तुहाडी जिंदगी करन ए हन सार अल्लाह इन्हां नूं अल्लाह ने अपना दस्त भी आख्या ते बाद दे शेर इक नूं ज़ेहन जो कड जे करदे ना इन्हां दी अपनी मर्जी हुंदी ते ना इन्हां दी अपनी ताकत हुंदी एडे अजीम अन्ना के इना कैनाते एहसान कीते ते जिदे कोलो लैंदे न उस कोलो ले ले के उस नूं ही मर्द मकरूज कर छोड़िया इस इलाके दे कोई यूरोप करबला च होया बड़ा वड्डा जुल्म मैं गल मैं छोड़ दित्ती गल मौजू बहुत लंबा है जिंदगी दी अगर मौका मिले तो हनू चाच हुई तुसा याद कराया तो मैं शुरू कर दसा लेकिन मैं गुलशन अब्बास नु ज्यादा तंग ना करा क्योंकि मोमिनीन आखो नहीं रहे तो मैं इन्हां दा टाइम जाया ना करा रुकावट ना बना लेकिन मैं जुमले चंद तां आखां दा क्योंकि मेरे दिल दी हसरत ही गमे आले मोहम्मद है मैनू आप भी रोंदा इश्क है ते लोगों भी रोंदा इश्क है क्योंकि नजात है इस क्योंकि जदा जमया ना दुनिया ते आया उदे ही दस्या गया तू उस घर च आया जिहड़ा 1400 साल तो सोगवार जिस घर च खुशियां तो बड़िया अजीम हैं पर एडिया अजीम खुशियां भी गम ही नजर आउंदियां क्यों गम करबला इंज गम सदा कर छोड़ करबला च बड़ा वड्डा जुल्म होया गवाह ते ढेर सारे दो गवां दा जिक्र करा ना दो मां ते धी दा जिक्र करना दो मां ते धी मजलूम दे जेड़े जुल्म होए ना मजलूम दे उन्हां दियां गवाह जेड़ियां दो मां ते धी ना उन्हां दा तज़किरा करा आ दोवां मां ते धी जुल्म होंदा वेख्या ना एक मां जेड़ी है जदां तक जिंदा रही है ना जेड़ी मां है जदां तक जिंदा रही है वत छां ते बैठी नहीं पानी निसबिता जदा कोई आखसाना छां ते क्यों नहीं बांधी ओदा आदियां ने जदा असगर ते हुसैन ते अकबर नु धूप ते वेखिया बद मैं छां ते किवें मोवां जे कोई आख्या ना ठंडा पानी पी लियो आदियां किवें ठंडा पानी पीवां मेरा असगर प्यासा टुर गया ममना कसम है ओदी गुरबत दी तारीख गवाए सही तारीख जदा दुनिया टुरी है ना उदा धुप दे गई धुप तो ही टुरी है जिंदगी रही ते शहजादी दा धुप तो विद्या होना सुना सा लेकिन मैं मुकम्मल करा दोस्तों धी ने इत माद गवाई है ना धी ने पूं औखा प्यो नु कुछ तसिख्या
ਜਦੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵੈਂਦੀ ਕਾਤਲ ਤਮਾਚੇ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਸਾਨੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਰੋਈਏ ਬੜਾ ਸਾਲ ਜੀਵੀ ਏ ਸਾਲ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਪ ਛੋੜ ਸਨ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਸਾਂ ਆਖਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਆਧਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਉਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਜਦੋਂ ਥੱਕਵੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਹੋ ਸੀ ਦਾਦਾ ਨਜਫ ਪਿਛੋਂ ਆ ਕੇ ਪੋਤਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਤੜਪ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਆਦੇ ਹੁਸਨ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਛੋ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਵੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਜੁਮਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਮਤ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੇਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਯਜ਼ੀਦ ਲੈਂਦੀ ਔਲਾਦ ਸਈਦਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਬਾ ਅਦਬ ਬੈਠਿਓ ਸ਼ੀਆ ਬੈਠਿਓ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਬੈਠਿਓ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਭੁਲੇ ਕੋਣੀ ਜ਼ਖਮੀ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਬੈਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਸਮਝ ਤੇ ਬੈਸੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਰਿਆਇਆ ਹੀ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਈ ਨੌਕਰ ਸਿਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀ ਆਖਦਨ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਉਸਨੇ ਸੱਜਾਦ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮਸਾਇਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਆਰਾਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਬਾਪੇ ਨੂੰ ਨਾਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਸੱਜਾਦ ਸਲਵਾਤੁਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਮੀਨਿਓ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਿਆਸਾ ਕੁਸਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰਬਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿਸ ਲੋਕ ਸਨਾਤ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਕੋਲ ਤਮਾਚੇ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਸੱਜਾਦ ਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਗਰਮ ਵੇਖੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਜਾਦ ਜੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਵੈਸੇ ਨਾ ਬਸ ਐਸਾ ਇੰਜ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਲੈਸੂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਏ ਉਹ ਵੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਦੀਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੱਜਾਦ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਭਵਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾਰਸੀ ਗੱਲੋਂ ਨਾ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਓ ਆਖਸੀ ਵੱਧ ਧੀ ਰੋਸੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਜੂਰੋਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਨਾਬੇ ਸੱਜਾਦ ਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਸੱਜਾਦ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਰ ਰੱਖਿਆ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਓ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਓ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਛਿਓ ਸੀ ਸੱਜਾਦ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਨਾਬੇ ਸੱਜਾਦ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਓ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਸਾਇਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਚੰਨ ਬਾਬ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੱਦੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਮਸਾਇਬ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਔਖਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਵਧਾਉਂ
बाबा तेरिया भेणी दे सर हुईया बाबा तेरी धी दे सवाल जिगर चरंदन बस मैं दो मिनट मेरे दोस्तों मालिक तुनु सलामत रखें प्यो दा सर अदब नाल पहली बार जनाबे सज्जाद करबला तो लगे शाम तक हुसैन बादशाह दा सर बेअदबी नाल चमिंदा रहा पहली बार प्यो दा पुत्र ने सर चाया हुसैन बादशाह नु अदब नसीब होया इंजी आखा अच्छा मैं जुमला आख छोड़ना तुसा सुन छोड़ना जिंदान इच प्यो ते धी दा मिलना कियामत तो घट नहीं प्यो धी नु मिलना या धी वेख्यो सी प्यो नु प्यो वेख्यो सी धी नु बड़े वड्डे तुम्हें मसलूम अच्छा धी ने वेख्या प्यो नु प्यो ने वेख्या धी नु धी ने पूछा किवें निभदी पई है प्यो पूछा तेरी किवें निभदी पई है धी ने दसो सी बाबा बड़ी औखी पई निभदी है बाबा करबला तो लग के शाम तक तेरे कातला नाल सफर कर दी वदिया बाबा अपने पुत्र को लो पूछना है मैं सज्जाद का बड़ा ख्याल रखिया बाबा जदा सज्जाद दी चेहरे ते असर मौत होंदे ना मैं आदिया सज्जाद घबरा नहीं मैं नाल हां ना बाबा तेरे पुत्र ने जंजीर गर्म होवे मैं ना बाबा जद मैं मिलन पीण वास्ते पानी मिलता ही ना तो मैं तेरे पुत्र दे जंजीरां दी कैफियत वेदिया तेरे पुत्र दे जंजीरां नू मेरे नालों बाली प्यास होंदी बाबा मैं पानी नज़ पींदी बाबा मैं तेरे पुत्र दे जंजीरां ते पानी डोल के आदि अस भैन मर मंजी कोई थोड़ी देर ते ठंडे रस नहीं प्यो दे हथां दे सर प्यो दा सर हथां दे धी ने वेख्यो सी बस मैं मुख्तसर कर छोड़िया मैं ढेर सारे जुमले छोड़ दिते धी ने प्यो दो वेख्यो सी प्यो ने आख्यो सी तेरे चेहरे ते बेअरामी दे आसार नजर आंदे सकीना मैनू सलवात लाने इंज लगदा तू सुमी कोई नहीं आदि उसे बाबा जी तो तू समो मिलने में किवे बाबा तेरे तो बगैर मैं किवे समझी प्यो धी नु आके उसी बेटा मैं भी थक गया तुम भी थक गई है सुम लिए पर तेरा बिस्तर कर बुला रह गया तेरे भरा दी मलियत बन गया उधर धी ने आके उसी बाबा कोई गल नहीं बाबा मैं सारा ती पोत्रियां मेरा सीना है ना बाबा आओ मेरे सीने दसमो मेरे कर्ज लगे सी प्यो धी सब भी लवाने अच्छा जिंदान दा मंजर कियामत तो घटे नी दी धिया वास्ते नो सी इंज करके प्यो दा सर धी ने कमदे हाथ नाल लायो सी अपने सीने नाल इतना सुकून आया सी ना संभल आली नू इतना आए सुकून इतना सुकून है ना अखा बंद हो गया सामने गई है सकीना सलवात बुला ले जड़ी नहीं ना समझ सकती बात जागी नहीं सजाद रो रो के प्यादे ने मेरे जंजीर कौन ठंडे कर सी मनु दला से कौन दसी और मेरे दर्दां दी मरां नु मैनू सम्राज छोड़ी अली बादशाह दी पोतरी दुनिया तो सज्जाद ने कफन पवाया इंज कफन पवाया ने जिवे उदे बापे दा कफन आई ना इंज हुसैन दी धी दा कफन आई हाथा ते चाया अजीब दादे तो पोतरे दा मकसूम है दादा मदीने दे लोगा दो ए रसूल दी धी दी कब्र छुपेदा पिया पोतरा पूछदा पिया और आया ओ सरदारा कैनात दी सरदार दी पोतरी मर गई है
ਉਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਟੁਰੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਮਾਰਫਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਕਸੋ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਰਹੂਮ ਨੂੰ ਮਰਲਾ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸ ਸਨਤ ਆਈ ਫੁੱਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰੀਜੀ ਪੁਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕਿ ਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਐਸੀ ਤੇ ਸਜਰੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਜਰਾ ਵਿਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਆ ਪੁੱਛਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਲਰਾਸੀਆਂ ਉਜੜਿਆਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦਫ਼ਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਮਾਲਕਾ ਦੀ ਕਬਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਸਭ ਇਖਤਿਆਰ ਆਈ ਕਬਰ ਖੱਟੀ ਖਟਾਈ ਮਿਲੀ ਦੋ ਹੱਥ ਪਾਰ ਆਏ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਗਰੀਬ ਦੇ ਆਸਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਭੈਣ ਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਭੈਣ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਸੀਰ ਹੈ ਤੁਮੇ ਅਸੀਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਸੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸਜਾਦ ਤੇ ਸਜਾਦ ਦੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਖੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਨੇ ਕੋਈ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਦੇ ਸਕੀਨਾ ਸਲਵਾਤੁਲਾ ਲੈ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਰੱਸੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰੱਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਆਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਣ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਥੱਕਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਭੇਣ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਦਿਆਂ ਠੰਡਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਏ ਬਹੁ ਜ਼ਖਮੀ ਏ ਦਾਦੀ ਯਾਰ ਮਤਾਈ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਵੇਂ ਅਲਾ ਲਾਨਤੁਲਾਹ ਕੋ ਮਿਸਾਲ ਵੀ